नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यमयी पहलुओं के बारे में बात करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा लगता है, लेकिन असल में यह हमारे ब्रह्मांड की एक वास्तविकता है। हम इंसान सदियों से आसमान की ओर देखते आए हैं। चांद, तारे और ग्रहों ने हमारी कल्पनाओं को हवा दी है, लेकिन क्या हम अपने सौर मंडल से बाहर जाकर दूसरे सितारों तक पहुंच सकते हैं? क्या हम अंतरतारकीय यात्रा को हकीकत में बदल पाएंगे? क्या हमारे जीवन काल में ऐसा संभव होगा? आज हम बात करेंगे अंतरतारकीय यात्रा की, यानी हमारे सौर मंडल से बाहर जाकर किसी दूसरे तारे तक पहुंचने की। इस समय हमारी तकनीक कितनी उन्नत है और क्या भविष्य में हम किसी और सितारे की ओर अपना सफर शुरू कर सकते हैं? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। अब तक की हमारी सबसे दूर की यात्रा हमारे सौरमंडल के भीतर रही है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जैसे अंतरिक्ष यान सौरमंडल के बाहर जा चुके हैं, लेकिन ये भी अभी सिर्फ इंटरस्टेलर स्पेस में ही है, किसी दूसरे तारे की ओर नहीं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि तारे कितनी दूर हैं। सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। एक प्रकाश वर्ष यानी लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। वर्तमान तकनीक से इतनी दूरी को तय करना लगभग असंभव सा लगता है। हमारे मौजूदा रॉकेट्स की गति से अगर हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी की ओर बढ़ें तो हमें लगभग 70,000 साल लगेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ऐसी कोई तकनीक हो सकती है जिससे हम इस यात्रा को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें? आज की स्पेस तकनीक में काफी प्रगति हो चुकी है। हम मंगल तक मिशन भेज रहे हैं, चंद्रमा पर वापस लौटने की योजना बना रहे हैं, लेकिन तारे अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। हमारी मौजूदा तकनीक का सबसे बड़ा रोड़ा है गति। जिन रॉकेट्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वे रासायनिक ईंधन से चलते हैं और उनकी गति सीमित है। अंतरतारकीय यात्रा के लिए हमें ऐसे प्रोपल्शन सिस्टम की जरूरत है जो सैकड़ों गुना ज्यादा तेज हो। कुछ नई तकनीकों पर रिसर्च चल रही है जो हमें तारों तक पहुंचने की राह दिखा सकती है। इनमें सबसे प्रमुख हैं सोलर सेल्स, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोपल्शन और एंटी मैटर इंजन्स। सोलर सेल्स की मदद से सूर्य की किरणों या लेजर बीम्स की ऊर्जा से यान को तेज गति से धकेला जा सकता है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोपल्शन की मदद से ईंधन की बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा कर रॉकेट की गति बढ़ाई जा सकती है। एंटी मैटर इंजन्स का सिद्धांत बेहद रोमांचक है, क्योंकि इसके द्वारा जब एंटी मैटर और मैटर मिलते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे यान को प्रकाश की गति के करीब ले जा सकती है। ब्रेकथ्रू स्टारशॉट एक ऐसी परियोजना है जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास मौजूद एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा बी तक छोटे नैनो स्पेसक्राफ्ट्स भेजने की योजना बना रही है। इन छोटे यानों को लेजर बीम्स से तेज गति दी जाएगी और यह लगभग 20% प्रकाश की गति से यात्रा कर सकेंगे। अगर यह मिशन सफल हुआ तो यह हमें अंतरतारकीय यात्रा के पहले चरण में ले जाएगा, लेकिन क्या हम इससे भी बड़े यान भेज पाएंगे? अंतरतारकीय यात्रा में सबसे बड़ा चैलेंज है स्पेस के वैक्यूम में इतने लंबे समय तक जीवित रहना। इसके अलावा रास्ते में पड़ने वाले कॉस्मिक रेडिएशन और स्पेस डेब्रिस से निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए हमें ऐसी तकनीकों की जरूरत होगी जो यात्रियों को हजारों साल तक जीवित रख सके। क्रायोजेनिक स्लीप या आर्टिफिशियल हाइबरनेशन जैसी तकनीकों पर भी काम चल रहा है, जिससे यात्रियों को लंबी यात्राओं के दौरान नींद में रखा जा सके। अगर हम सिर्फ प्रोपल्शन पर निर्भर न रहें तो क्या हम वार्म होल्स या वार्प ड्राइव जैसी थ्योरीज की मदद से तारों तक पहुंच सकते हैं? ये वो विचार हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिकों ने पेश किए थे। वर्म होल्स स्पेस टाइम को मोड़कर दो दूरस्थ बिंदुओं को आपस में जोड़ सकते हैं। इससे हम अरबों किलोमीटर का सफर सेकेंड्स में तय कर सकते हैं। वार्प ड्राइव की थ्योरी कहती है कि स्पेस को संकुचित कर यान को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सकता है।
हालांकि ये अभी सिर्फ सिद्धांत हैं, लेकिन भविष्य में कौन जानता है कि हम इनका उपयोग कर सकें। तो सवाल यह है, क्या हम अपने जीवन काल में किसी और तारे तक पहुंच सकेंगे? हकीकत यह है कि अंतरतारकीय यात्रा हमारे वर्तमान में तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में जरूर संभव हो सकती है। अगर हम वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी विकास को ध्यान में रखें तो हमारे सामने कई रोमांचक संभावनाएं हैं। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट जैसी परियोजनाएं एक शुरुआत हो सकती हैं, और अगले 100 सालों में हम शायद ऐसे यान विकसित कर लें जो तारों तक जा सकें। मानवता की यात्रा अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही है। हम चंद्रमा पर फिर से कदम रखने जा रहे हैं, मंगल पर बस्तियां बनाने की योजना बना रहे हैं, और शायद किसी दिन तारों के बीच अपना घर भी ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप और भी ऐसे रोमांचक विषयों पर जानना चाहते हैं तो चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अंतरिक्ष में क्या खोज करना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।